अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे पैन के अंदर। अब हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा और इसको 30 to 40 seconds तक भुनने देंगे जब तक ये स्पार्किंग करेगा। नाउ विल ऐड चॉप्ड अनियन, 2 अनियन काटे हैं हमने इसके लिए, और इसको भूनेंगे हम करीबन 50%। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। नाउ विल ऐड 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। अब इस प्याज को हम चमचे से हिलाते रहेंगे जिससे कि प्याज जल्दी भुन जाए, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। बिकॉज हमने बड़ा चॉप किया है तो सॉल्ट डालने से ये जल्दी गलेंगे और फ्राई अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गार्लिक और ग्रीन चिलीज जो हमने चॉप करी थी वो हम ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम भूनेंगे। अब करीबन ये पूरा जब 70% तक भुन जाएगा ना, डार्क गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाएगा, तब तक हम इसको इसी तरह भूनते रहेंगे और बीच बीच में हम ढक भी सकते हैं 2 मिनट के लिए। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। ये जो गार्लिक ग्रीन चिलीज और अनियन हमने इसमें ऐड करे थे अभी 70% तक भुन चुके हैं, तो हम इसमें टमाटोज ऐड कर सकते हैं। 2 टमाटोज काटे थे हमने। अभी हम टमाटोज जल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इन्हें भी फ्राई करना चाहते हैं अच्छे से एकदम। अब हम टमाटोज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे, बिकॉज टमाटो भी पानी छोड़ेगा, तो इसको अच्छे से हम फ्राई करने के लिए गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को बड़ा चॉप किया है ना, तो हमें इसके बीच बीच में प्रेस भी करना पड़ेगा जिससे कि ये अच्छे से मैश हो जाए और आपको अलग अलग फील ना हो। हालांकि हम इसको इतना भून लेंगे कि सेपरेट फील नहीं होगा, पूरी ग्रेवी एकदम यूनिफॉर्म रहेगी, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इस प्याज को अच्छे से मिलाएंगे, टमाटर प्याज सारी चीज़ों को, और इस तरह से प्रेस करेंगे क्योंकि हमने इनको बड़ा बड़ा काटा है, एकदम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं किया है, तो बनाते बनाते हमें इन्हें प्रेस करना रहेगा और फ्राई होते होते सॉफ्ट हो जाएंगे तो ईजिली क्रश हो जाएंगे, इसलिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ये देखिए अच्छे से भुन रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लग गया होगा आपको, और इस तरह से हम हमारे पूरे ग्रेवी को क्रश करते रहेंगे बीच बीच में। अब हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। करीबन उसके बाद हमें 2 मिनट तक पकाना है और हमारी कस्तूरी मेथी भी अच्छे से भुन जाएगी ग्रेवी के साथ, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। एंड डोंट वरी, कस्तूरी मेथी जलेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से भून सकते हैं। अच्छे से पिस गए हैं और अब इसमें हम मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इन्हें भूनने के बाद इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये फूल जाए, जले नहीं, क्योंकि हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाले फिर जल जाएंगे, रॉ टेस्ट आएगा। अब हम ऐड करेंगे 1/4 ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल ग्लास जो हमारे घर में होता है स्टील का, उसका 1/4 साइड का भरने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको फ्लेम को थोड़ी हाई करके इसको चलाते रहिए। अच्छे से मिक्स करिए अपनी ग्रेवी को। देखिए सब कुछ अच्छे से क्रश हो गया है, एकदम यूनिफॉर्म लग रहा है, जैसा कि मिक्सर ग्राइंडर यूज़ किया हमने मसालों को पीसने के लिए। अब पनीर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हमने कुछ वाटर ऐड नहीं किया है, तो पनीर इसमें ऑयल के साथ फ्राई भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली। और हमने एकदम नॉर्मल पनीर यूज़ किया जो कि घर में बनता है उस टाइप का, शॉप पे मिल जाएगा आपको, बिकॉज जब वो इसके साथ पकता है ना तो अपना हल्का सा मिल्क छोड़ता है जो इसकी क्रीम बनाता है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और वो फ्राई होने के बाद बहुत यम्मी लगता है। नाउ इट्स डन। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भुन चुके हैं, तो हम इसमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे, दिस इज़ द फाइनल वाटर जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और उसको पकाएंगे। 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे,
फाइनली चेरी ऑन द केक, ब्यूटीफुल कोरिएंडर, धनिया, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कोरिएंडर डालने के बाद। और फिर वही बात याद आती है कि खाने वाला पहले आंखों से खाता है और मुंह से बाद में खाता है, तो खाना दिखने में बेहद अच्छा लगना चाहिए, एकदम सुंदर लगना चाहिए, तो खाने में भी उतना ही यमी लगेगा। अब इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो फाइनली पनीर चटपटा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है, और इसको डेफिनेटली ट्राई करना। इट्स टू यम्मी, टू टेस्टी, एंड कीप कुकिंग।